हमने कितने साल दिया उनको कांग्रेसों को, हम छोटे से थे बड़े हो गए कांग्रेस को दिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे बच्चों को नौकरियां दिया किसी ने? किसी ने दिया तालीम दिया? आज एजुकेशन में मुसलमान सबसे पीछे क्यों है? कांग्रेस की देन है। कि मैं शरीफ हूँ, शरीफ रहने दो, बदतमीजी पर हम आ गए तो सोच तुम्हारा क्या होगा, और मेरे ही हाथ से खाक होगा और शमशान में तेरा राख होगा। तो मोदी भी जाके पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाता है, तो फिर उसको आप क्या बोलोगे? क्योंकि वो नौजवानों के अंदर जो दर्दा दिली उन्होंने भर रखी है ना इस टाइम पे, वो चाहते हैं कि इस बार मुस्लिम कयादत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर एक स्टेट के अंदर मुस्लिम कयादत जोर लेगी और इंशाल्लाह बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी। हमेशा अरशद साहब तो हर दो महीने तीन महीने में यहाँ आते ही है और हमारी हर मुश्किलों के बारे में पूछते हैं, कैसा काम चल रहा है आपका, कैसा नहीं चल रहा, हर मुश्किल को वो सही करने की पूरी कोशिश कर। मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया क्या? बाबरी मस्जिद दिया है, हमारे मुसलमानों को नौकरी दिया है उसने, हमारे मुस्लिम के कितने परसेंटेज लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कितनी नौकरी कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमको क्या दिया है? जब फर्स्ट टाइम अबू आजम आजमी साहब भी लड़े थे ना यहाँ से, तो सदर साहब के नाम पर ही उन्होंने वोट मांगा था, ये सभी लोगों को याद होगा आपको। और बात कर रहे हैं ना आप अखंड भारत की, जो मोहन भागवत हैं, हमें तो बहुत फ़ायदा उससे अखंड भारत बने, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, ये सब मिलने वाला है अखंड भारत में, क्योंकि सब इसी में से बटे हैं ये सब जितने भी मुल्क हैं, तो इससे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। और मैं तो चाहता हूँ, चैलेंज करता हूँ मोहन भागवत को कि कल के बजाय वो आज रात 12 बजे ही इसको अनाउंसमेंट करने के बोले। हाँ, राष्ट्र कहा था जिसको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, तो फिर वो क्यों बन रहे हैं इस टाइम पर नेता? उनको तो बैठ जाना चाहिए, वो कहते हैं कि मुसलमानों का नेता हिंदू बनता है, हमेशा हिंदू ही रहता है यहाँ पे लीडर, तो उनको तो बैठ जाना चाहिए। कयादत की वो तो कयादत की बात करी तो वो भी तो कयादत ही कर रहे हैं भाई, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार खड़े हो रहे हैं, 3 बार लगातार सिटिंग एमएलए बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पार्टी समाजवादी पार्टी है, यहाँ MIM और यहाँ मुसलमान लिखा हुआ है, वो इसकी बात कर रहे थे। देखिए ऐसा शिवसेना, उसके ऊपर आप कोई लीगल ऑप्शन नहीं उठाते, ये सिर्फ एक नाम है, उसके नाम से इतनी चिड़े इतनी जलन है आपको? नहीं भाई, इतना नहीं करना चाहिए आप सब लोगों को। इसीलिए इंशाल्लाह यहाँ पे हम 16 सीटों पे लड़े और इंशाल्लाह ये देखना तुम 23 तारीख के दिन इंशाल्लाह हम 16 की 16 फतेह करेंगे, ये सब आवाम मौजूद है यहाँ पे और इंशाल्लाह ये सब जमा रहेगी। और जितना इस मरतबा 500 में लोग नहीं बिकेंगे, 500 में तो कभी बिकते ही नहीं मजलिस वाले, यहाँ मोहब्बत के दरबार है। मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर, मैं मुंबई के अंदर दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर सिर्फ किस लिए? अकबर वैसी साहब की कयादत के लिए, क्योंकि वो नौजवानों के अंदर जो दर्दा दिली उन्होंने भर रखी है ना इस टाइम पे, वो चाहते हैं कि इस बार मुस्लिम कयादत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर एक स्टेट के अंदर मुस्लिम कयादत जोर लेगी और इंशाल्लाह बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं तोड़नी है, हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा तो हाजिर और नाजिर अल्लाह ही, और हम अल्लाह को ही माबूद मानते हैं, उसके अलावा हम किसी के तलबेदारी नहीं करते। बस बिहार में 5 जीते हैं 2020 में और 4 बिक जाते हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें आप पर? देखिए बिक जाते हैं तो देखिए, हमारे जो मेन लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, देखिए उनको पास जो हौसला है और जो ताकत है, जो कुव्वत है उनके अज़्म को, उनके इरादे को कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब बीच में अब वो लोग बिक गए, पैसे नहीं देखे थे क्या? पैसे नहीं देखे थे, अब जहाँ पैसे मिला चले गए, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से तो कोई पार्टी क्यों लेकिन भरोसा करेंगे? 4 बिक गए तो कैसे लोग भरोसा करेंगे? देखिए इस दफा जितने भी कैंडिडेट उतार रही है MIM पार्टी, यह आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसका उतना ही जबरदस्त जवाब भी है कि आपकी जो ये सवाल कर रहे हैं कि बिक जा रहे हैं, तो मेरे भाई ये पार्टी भी होशियार हो गई है, ये पार्टी बहुत नरम दिल है, लोगों पर भरोसा करती थी, अब समझ गई है कि लोग पैसे देख के किधर जा रहे हैं। अब असद साहब से प्यार करने वाले बिकेंगे नहीं, ये तो अभी एक आंधी का झोंका था, बारह तारीख को रफीक नगर में आप देखेंगे। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ योगी टकले के ऊपर, जो भी हो जाए, कि मैं शरीफ हूँ, शरीफ रहने दो, बदतमीजी पर हम आ गए तो सोच तुम्हारा क्या होगा, और मेरे ही हाथ से खाक होगा और शमशान में तेरा राख होगा। ये मेरी शहरी बस इससे ज्यादा आप अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी से चुनाव में दिखते हैं, बाकी दिन कहाँ रहते हैं? बाकी दिन सारे पब्लिकों का काम करते रहते हैं, बच्चों का आपने जैसा सुना ना स्कूल का काम, वो सब चीज़ें वो करते रहते हैं, मेहनत उनका हमारी आवाम के लिए चालू ही रहता है और कंटिन्यू, और बम्बई में तो हमेशा उनसे मिलता हूँ।
हमेशा अरशद साहब तो हर दो महीना तीन महीने में यहाँ आते ही है और हमारी हर मुश्किलों के बारे में पूछते हैं, कैसा काम चल रहा है आपका, कैसा नहीं चल रहा, हर मुश्किल को वो सही करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम कैसे यकीन मारे आपके नेता कांग्रेस को बुरा भला कहते हैं और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो कैसे लोग भरोसा करेंगे उन पे? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ खाना खाते हैं उसमें कोई वो नहीं, तो मोदी भी जाके पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाता है तो फिर उसको आप क्या बोलोगे? हमारे तो हम हिंदुस्तानी के साथ बैठ के खाना खा रहे, वो तो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे? बुरा भला तो जो है, जो चीज है, वो मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया क्या है? मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया क्या? बाबरी मस्जिद दिया है, हमारे मुसलमानों को नौकरी दिया है उसने, हमारे मुस्लिम के कितने परसेंटेज लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कितने नौकरी कर रहे हैं? कांग्रेस ने हमको क्या दिया है? खाली बाबरी मस्जिद दिया है। हमारे बच्चे आज तक ना उनको दवा मिल रही है, ना उनको नौकरियां मिल रही है, क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस उनको? हमने कितने साल दिए उनको कांग्रेसों को? हम छोटे से थे, बड़े हो गए, कांग्रेस को दिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे बच्चों को नौकरियां दिया? किसी ने कुछ नहीं, किसी ने दिया तालीम दिया? आज एजुकेशन में मुसलमान सबसे पीछे क्यों है? कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के वजह से हम पीछे है। खाली वोट लेके उसके बाद कांग्रेस दिखनी नहीं है। देखो इंशाल्लाह मुसलमान की ताकत पूरी अतीक सर को लेके चले और इंशाल्लाह गोवंडी की सीट हम निकाल रहे हैं। हिंदू भी साथ देंगे, ये हमारी सबके लिए पार्टी है। हिंदू भी साथ देंगे, दलित भी साथ देंगे, मुस्लिम भी साथ देंगे, सभी लोग देंगे साथ और इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि सबको पता है।